अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हम एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर थ्री है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसके हमने पहले फोर पार्ट्स कर लिए हैं और आज हम इसका पार्ट नंबर 5 और 6, ये टू पार्ट्स करेंगे। पार्ट नंबर 5 है 19.4 माइनस 8.2 मल्टीप्लाई 1.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 11.7। सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन है, तो बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई आएगा या माइनस, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बोर्ड में लिखेंगे, अब देखें बोर्ड में इसमें बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब इसमें हमने माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन, एम पहले है तो हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे और माइनस हम बाद में करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हम माइनस करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो आंसर आएगा उसको हम फिर बाद दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। अब हम 8.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। रफ़क में पहले हम क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे और साथ साथ हम रफ़क भी करेंगे। रफ़क में हमने 8.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना है और हमने क्वेश्चन भी रीराइट करना है। पहले हम ये प्लान कर लेते हैं, 8.2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ और हम इसको अब रीराइट कर लेते हैं। रीराइट में हम सबसे पहले लिखेंगे 19.4 ब्रैकेट में माइनस 8.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 11.7। अब हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने रफ़क में प्लान किया हुआ है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। अब एक क्रॉस लगाएंगे 4 के नीचे। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ज़ा 2 और 1 8 ज़ा 8 और प्लस करेंगे अब इनको हम। यहाँ पे आएगा 4, 6 में 2 ऐड किया तो 8 और 1 और 8 9। अब हमने डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग करना है पॉइंट को। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है और सेकंड में भी यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है और 1 और 1 कितना डेसिमल हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस, 1 और 1 2, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस होगी। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर है 9.84। अब यहाँ पे हम इक्वल टू लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, 19.4 ये पहले है, इसको पहले ही हम ऐसे लिख देंगे और माइनस का साइन भी ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो लिखेंगे हम, आंसर है हमारे पास 9.84 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस 11.7, ये एज इट इज़ लिख देंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमने आंसर पुट किया वहाँ पे। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब इनको माइनस करते हैं तो 19.4 और इसमें से हमने माइनस करना है 9 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के यहाँ पे 8 या 4 के ऊपर हम 0 ऐड कर लेंगे खुद से। अब इनको हम माइनस करते हैं, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो हम 4 से बोरो लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10, 10 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 6, अब 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो हम 9 से बोरो लेंगे, 9 के पास 8 रह जाएगा, यहाँ पे 13 में से अब हमने 8 माइनस करना है, 13 में से 8 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, यस 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे आ जाएगा। अब 18 में से हमने 9 माइनस किया तो आंसर आएगा 9, तो हमारा माइनस करके आंसर आया है 9.56। मल्टीप्लाई में हम डेसिमल प्लेसेस को ऐड करेंगे और माइनस में हम पॉइंट वैसे ही एज इट इज़ वहीं पे उसी प्लेस पे पुट कर देंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करके माइनस करके हमारा आंसर है 9.56, हम आंसर लिखेंगे 9.56 और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अब क्योंकि हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, साथ हम लिखेंगे प्लस 11.7। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 9.56, इसमें हमने प्लस करना है
11.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर 11.7, सिक्स के नीचे हम ज़ीरो ऐड कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे, सिक्स में ज़ीरो ऐड किया तो सिक्स, फाइव में सेवन तो ट्वेल्व, ट्वेल्व का हम लिखेंगे टू और वन कैरी, पॉइंट एज इट इज़ वहीं पे आ जाएगा, नाइन और वन टेन और वन इलेवन, इलेवन का वन और वन कैरी, वन और वन टू, तो हमारा आंसर क्या आ गया 21.26। इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर है 21.26। ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, 8.8 माइनस 2.1 प्लस 5.4 डिवाइड बाय 0.9। अब इसमें भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में हम बोर्ड मैथ्स अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में प्लस का भी साइन भी है और डिवाइड भी है, तो हम सबसे पहले बोर्ड मैथ्स में पहले डिवीजन आती है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं, 8.8 माइनस 2.1 प्लस 5.4 डिवाइड बाय 0.9। हमने क्वेश्चन को रीराइट किया। अब हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में प्लस का साइन भी है और डिवाइड का साइन भी है, तो हम बोर्ड मैथ्स में पहले डिवीजन पहले है और एडिशन बाद में, तो पहले हम इन दोनों को डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे और बाद में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को रफर में हम डिवाइड करेंगे, बाकी हम एस टी लिख लेंगे, 8.8 माइनस ब्रैकेट 2.1 प्लस, यहाँ तक एस टी लिख लेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब इसको हम रफर में डिवाइड करते हैं, 5.4 को हमने डिवाइड करना है 0.9 से, 5.4 डिवाइड बाय 0.9। अब दोनों डेसिमल नंबर हैं, तो हम इनको पहले, ये भी डेसिमल और ये भी डेसिमल, दोनों डेसिमल नंबर हैं, तो हम इनको, जब दोनों डेसिमल नंबर हो गए तो इनको पहले फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 54/10, पॉइंट यहाँ पे वन, पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो 10 लगा देंगे, डिवाइड का साइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 09, और पॉइंट के यहाँ पे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 10 लगा देंगे। अब डिवाइड का साइन है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड के जगह हम साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, और 9/10 का रेसिप्रोकल है 10/9। अब हम इन दोनों की क्रॉस कटिंग करेंगे, 10 और 10 की और 9 और 54 की, 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10, 10 और 10 की कटिंग होगी, 9 वन ज़ा 9 और 9 6 ज़ा 54। अब इन दोनों की भी कटिंग हो गई है, अब हमने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 वन ज़ा 6, 1 वन ज़ा 1, 6 पर 1 इक्वल टू है 6 के। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आया है 6, डिवाइड करके आंसर है 6। अब हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज, अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई, अब इन दोनों को प्लस करेंगे फिर ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब रफर्क में इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 2.1 को, 2.1 में हम प्लस करेंगे 6, 6 होल नंबर है, 0.0 हम खुद लगा लेंगे, ऐड करेंगे इसको, 1 में 0 प्लस किया तो 1, पॉइंट की जगह पॉइंट वैसे, 6 में 2 ऐड किया तो 8, तो 8.1 हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, तो आंसर आ रहा है 8.1। यहाँ पे हम लिखेंगे 8.8 माइनस, ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर आया है 8.1, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8.1। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करते हैं रफ वर्क में, 8.8 में हमने माइनस करना है 8.1, इनको माइनस करें तो 8 में से 1 अगर हम माइनस करें तो आंसर आएगा 7, पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा, 8 में से 8 माइनस किया तो 0, तो हमारा आंसर है 0.7। इन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आया है 0.7, ये हमारा आंसर है। अब हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, इन 2 क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझ के रफ कॉपी पे इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।